हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 1 सेट्स के बारे में। तो सेट्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हम लोग इस चीज को पहले आसानी से समझेंगे, धीरे धीरे फिर हम लोग सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर रिप्रेजेंटेशन और बहुत कुछ है सेट्स में पढ़ने के लिए, जो कि आपको फ्यूचर में मैथमेटिक्स, पूरे मैथमेटिक्स में इसका यूज होता रहेगा। तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है, ये आप लोग को बचपन से आप लोग शायद पढ़े ही होंगे कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आप जो भी नंबर्स लिखते हैं 1 से बड़ा, वो क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये अभी क्यों यहां पे पढ़ रहे हैं, ये अभी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, इसके प्रॉब्लम्स को देखेंगे, तो उसमें आपको क्वेश्चन इस तरह से रहता है कि आपको ये पता होना चाहिए। ये अगर पता नहीं है तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी सी कठिनाई आपको हो सकती है। तो नेचुरल नंबर्स क्या हो गया कि 1 से आगे 1, 2, 3, 4 इस तरह से होता है, और इसको रिप्रेजेंट क्या करते हैं, एन से करते हैं, कैपिटल एन। दिस इज द यूजुअल वे कि आप नेचुरल नंबर्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहां पे ये देखिए कि 1, 2, 3, 4 ये सब जो होता है, तो फंडामेंटल अभी हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो कि हम लोग 1 लिख रहे हैं यहां पे, फिर 2 लिख रहे हैं, 1 से 2 के बीच का कोई नंबर यहां पे नहीं है, ये सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसके बीच में कुछ नहीं है। और ये डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ कि ये इंफिनिटी तक जा रहा है। तो इंफिनिटी भी क्या होता है, इंफिनिटी एक कंसेप्ट है, इंफिनिटी एक कोई नंबर नहीं होता, ये बस रिप्रेजेंट करने का एक तरीका, क्योंकि आप बहुत बड़ा नंबर नहीं लिख सकते, उससे भी बड़ा कोई एक नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया नेचुरल नंबर। इसके आगे और क्या होता है, होल नंबर होता है, W बोलते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ रही है बात। इसमें क्या होता है कि नेचुरल नंबर प्लस जीरो, मतलब ये स्टार्ट कहां से होता है, जीरो से, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आप लिखते चल जाइए, ये भी फिर इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि ये डिस्क्रीट वैल्यूज होते हैं, कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं होता है कि 0 से 1, 2, 3 इस तरह से, ये एक एक वैल्यू है, ये 0 एक वैल्यू है, 1 एक वैल्यू है, 2 एक वैल्यू है, समझ आ रही है बात। अब इसके बाद होता है जैसे इंटीजर्स, इंटीजर्स होता है, ये सब चीज बहुत ही बेसिक है, आप 9th-10th में आप ये सब पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी यहां पे एक बार रिकैप इसकी जरूरत है सेट्स को समझने के लिए। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स में जैसे यहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, ये सिर्फ पॉजिटिव की तरफ देख रहे थे, नॉन नेगेटिव, ये क्या था, 1, 2, 3 1 से शुरू था, ये 0 से शुरू था, नेगेटिव चीज तो यहां पे हम लोग नहीं ले रहे थे। तो अब इंटीजर्स में क्या हो जाएगा कि आप इधर से आइए, -4, -4, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से इधर आगे चले जाइए, फिर इधर भी पीछे की तरफ जाइए, तो ये हो जाता है किधर की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, ये जाते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। और ये तरीका होता है लिखने का नंबर्स को, जैसे 1 पहले लिखे, फिर 2 लिखे, बड़ा नंबर राइट साइड में लिखते हैं, छोटा नंबर लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो यहां पर जैसे कि -5 छोटा होता है -4 से, इसीलिए ये इधर माइनस इन्फिनिटी से गया, फिर जाते 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 0 पे पहुंचा, फिर जाते 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 प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इस इंटीजर को दो तरीके से हम लोग लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन इसका आई भी होता है और इसको जेड भी से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक में आप देखिएगा कि शायद जेड ही है। ठीक है, जेड से डिनोट करते हैं, बहुत जगह पे आई पे भी करते हैं, तो कि कोई भी एग्जामिनेशन में जब ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा तो वहां पे लिख दिया जाता है कि जेड रिप्रेजेंट्स द इंटीजर्स या आई रिप्रेजेंट्स द इंटीजर्स इस तरह से। ठीक है, और क्या होता है, एक अब जैसे रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये सब चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। रैशनल नंबर क्या होता है कि कोई भी नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सके उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं, और वहां पे p और q क्या होगा, इंटीजर्स होगा, एंड और क्या होगा, q नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों नहीं 0 होगा, क्योंकि q जब 0 हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, p बाई 0, तो फिर तो ये 0 से किसी चीज में आप डिवाइड नहीं कर सकते, ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये कंडीशन यहां पे वैलिड होगा कि p और q, ये z क्या है, इंटीजर है। ठीक है, और q कभी 0 नहीं होगा। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे देखिए
जैसे आप लिख सकते हैं 2/3, 2/3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। आप 3/2 भी लिख सकते हैं, 5 वाई की नहीं रैशनल नंबर हो सकता है, क्यों, क्योंकि आप इसको 5 = 5/1 भी लिख सकते हैं, ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से यहां पे हम लोग रैशनल नंबर्स को लिख सकते हैं। अब इसमें यहां पे क्या होगा कि जैसे 0.23 ये रैशनल नंबर है कि नहीं, ये भी आपको सीखना है कि क्या इसको हम लोग p/q के टर्म में लिख सकते हैं। ये तो आप लोग जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं, जब 0.23 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 23/100, तो ये p है, ये q है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फ्रैक्शंस हैं इसको भी ऐड कर दीजिए इस सीरीज में, ठीक है, रैशनल नंबर्स, तो फ्रैक्शनल भी ऐड, फ्रैक्शन भी ऐड हो गया, ये पॉइंट वाला भी ऐड हो गया, ठीक है, तो ये हो गया रैशनल नंबर्स। फिर एक होता है क्या, इरेशनल नंबर्स, ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है, बेसिक्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग्स नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा आगे समझने में, इसीलिए इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे एज फॉर एग्जाम्पल कि पाई एक इरेशनल नंबर होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है कि ऐसा नंबर जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सके उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात। रैशनल नंबर को हम लोग यहां पे क्यू से डिनोट करते हैं जनरली, ये जो भी मतलब डिनोट करने का तरीका है ये जनरली होता है, मतलब कोई कुछ भी लिख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि यही लिखना है, हार्ड एंड फास्ट रूल है, लेकिन जनरली हर एक लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई दूसरा कुछ लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, उसके आगे वो लिख देगा कि दिस रिप्रेजेंट्स रैशनल नंबर्स, दैट्स इट। तो कोई ऐसा नंबर जिसको p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये आप लोग पढ़े होंगे कि नेवर एंडिंग, ऐसा होता है ना कुछ, नेवर एंडिंग और नॉट रिपीटिंग, इस तरह से कुछ होता है, ठीक है, कि जो इस तरह का नंबर, जैसे जैसे देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं 1.23454545454545, तो ये जो नंबर है इसमें क्या हो रहा है कि 4545454545 रिपीट हो रहा है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये रैशनल नंबर होगा। ये आप लोग पढ़े होंगे इसका प्रूफ कि इसको कैसे रैशनल नंबर प्रूव किया जाता है, अभी मैं इस पे नहीं जा रहा हूं, अभी हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि ये तो ये अंत नहीं हो रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये रिपीटेटिव है, ये रिपीट कर रहा है, तो ये नहीं होगा। जो जैसे पाई का वैल्यू होता है तो 3.14 और आगे ये जो भी चीज होता है उसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं आता और ये कभी खत्म नहीं होता, आप लाइफ पूरी लाइफ लिखते रह जाएंगे, ये नंबर चलता रह जाएगा, तो आप किसी इसको p/q के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इरेशनल नंबर का मतलब हो गया कि वो नंबर जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, जैसे √2, √3 के बारे में, √3 भी इरेशनल है, e भी इरेशनल है, पाई भी इरेशनल नंबर्स होता है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। एक दो और नंबर्स हैं उसको भी हम लोग देखते हैं अभी। तो अभी जो हम लोग नंबर्स के बारे में सीखे उसको देखिए, उसको इस तरह से भी हम लोग और अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि ये जो नेचुरल नंबर्स था, ठीक है, नेचुरल नंबर्स था ना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एन बोल रहे थे। तो नेचुरल नंबर्स अगर इस तरह से हम लोग लिखते हैं, नेचुरल नंबर्स में क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। इस नेचुरल नंबर में अगर हम लोग 0 ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर, समझ में आ रही है बात, ये इस तरह से हो जाएगा ये, और ग्राफिकली आपको दिखेगा यहां पे फिगर में कि कैसे नेचुरल नंबर हो गया, उसमें प्लस ये 0 है, 0 अगर ऐड हो गया तो ये होल नंबर हो गया, ठीक है। इस होल नंबर में अब ये क्या हो गया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से हो गया, लेकिन अभी तक नेगेटिव वाला नहीं आया हुआ। तो अगर यहां पे -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह से हो जाए एड, तो ये क्या हो जाता है फिर हम लोग का, इंटीजर्स, समझ में आ रही है बात, ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ठीक है। अब इस इंटीजर के ऊपर अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पे अभी तक यहां पे क्या आया हुआ है, सिर्फ -2, -1, 0, 1, 2, अभी इसमें फ्रैक्शन नहीं आया है, पॉइंट वाला नहीं आया है, उसको अगर यहां पे रख दें हम लोग, जैसे कि 2 है, 1 है, 1/2 है, 0 है, फिर उसके ये
माइनस कर दीजिए, माइनस टू, माइनस वन, माइनस ये, माइनस जीरो, फिर वन टू, फिर इसके बाद यहाँ पे आप लिख दीजिए सेवन बाई टू, इस तरह से अगर कुछ भी आप लिख रहे हैं तो फिर ये क्या हो गया यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये किसके अंदर आ जाएगा फिर, रैशनल नंबर्स के अंदर। ये हो गया क्या रैशनल नंबर, समझ में आ रही है डेफिनेशन से। रैशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और जो भी ये नंबर्स हैं, तो ये जो नंबर है वो रैशनल नंबर भी है, ये जो नंबर है वो इंटीजर भी है, ये जो नंबर है वो होल नंबर के लिस्ट में भी आता है, समझ में आ रही है बात ना। अब इसी के बगल में यहां पर क्या होता है, इरेशनल नंबर, समझ में आ रही है, इरेशनल नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के टर्म में नहीं लिख सकते, तो ये एक टर्म हो गया। और इन दोनों को मिला के जो हम लोग बोलेंगे यहां पे, ये टोटल ये हो गया हम लोग का रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर मतलब r, r से हम लोग रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग जब सीखते हैं यहां पे कि नंबर लाइंस होता है, ये होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये होता है नेगेटिव इन्फिनिटी, इसके बीच में कहीं जीरो हो गया, इसके इधर फिर माइनस, इसके इधर फिर प्लस, ठीक है। तो कोई भी नंबर जो होता है इसके बीच में, ये जितने भी नंबर हैं उस सभी नंबर को हम लोग इस नंबर लाइन पे लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, इस नंबर लाइन पे जो भी नंबर है उसको इस पे हम लोग लिख सकते हैं। तो अब बात समझ में आ गई, क्योंकि ये सब चीज अब यूज होगा आगे में, जैसे नेचुरल नंबर है यहां पर, यह क्या है एन है, तो आपको बोला जाएगा सेट ऑफ All natural numbers which is greater than 20, less than 20, something like that, इस तरह से। फिर whole number के बारे में भी कुछ questions आएंगे या कुछ statement होगा, जो अगर आप whole number नहीं समझते हैं तो फिर आपको problem होगी। फिर यहाँ पे integers हैं, integers जानना जरूरी है, आपको दिया जाएगा कि set of positive integers, set of negative integers, तो आपको ये अगर concept clear है तो फिर आपके mind में वो figure out होगा कि ये क्या बोल रहा है problem, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो rational numbers हैं, ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या है, इसके बारे में भी स्टेटमेंट होंगे बहुत सारे कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रैशनल नंबर्स, नॉन पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, तो इस तरह की बातें आपको अब समझ में आने लगेगी इसको समझने के बाद। फिर ये इरेशनल नंबर्स हैं, तो रैशनल नंबर का मतलब क्या होगा, रियल नंबर माइनस रैशनल नंबर्स इज इरेशनल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग समझने के लिए, ठीक है। और एक दो नंबर्स होते हैं क्या, जैसे ये सब बहुत ही सिंपल सिंपल नंबर है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आप लोग जानते हैं क्या होता है, कि वो नंबर जिसको, जैसे वन, प्राइम नंबर्स क्या क्या होता है कि जिसमें खुद से, वन से और खुद से, बस इसी चीज से डिवाइड हो सके और किसी चीज से ना हो, टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन, ये सब चीज जानते हैं आप, ठीक है। ये चीज जानना जरूरी है क्योंकि ये भी फिर स्टेटमेंट में आएगा कि कोई सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज लेस देन 39, इस तरह से कोई आ गया तो फिर आपको वो पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, ठीक है। फिर कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जो प्राइम नंबर्स नहीं है वो कंपोजिट नंबर्स हैं, समझ वाली बात, जितने भी नंबर्स हैं उसमें जो प्राइम नंबर्स नहीं है तो वो कंपोजिट नंबर है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और वन जो है वो नाइदर प्राइम है और नॉन कंपोजिट है, ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी नहीं है इधर, तो फिर ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। अब ये सब चीजें जब पता हैं, तब अब हम लोग देखते हैं सेट का डेफिनेशन क्या होता है। तो सेट का डेफिनेशन होता है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये डेफिनेशन आपको हर एक बुक में, हर एक जगह पे आपको मिल जाएगा, बहुत ही स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ये। यहां पे आपको एक चीज जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वेल डिफाइंड, इस पे आपको ध्यान देना है। ये अगर आप समझ गए कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है तो आधा सेट आपका खत्म है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। और यहां पे क्या है कि ऑब्जेक्ट्स है, ये भी एक चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं मेंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है, मेंबर्स और एलिमेंट्स, इन तीनों में से एलिमेंट्स, इन तीनों में से कोई भी चीज लिखा रहे उसका यही मतलब होता है। क्या मतलब होता है वो अभी आगे बताते हैं। और फिर ये क्या है, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन का मतलब तो समझ रहे हैं कि बहुत सारा, एक या एक से ज्यादा या जो भी चीज है, कलेक्शन, ठीक है, अभी नहीं कह सकते एक या एक से ज्यादा या नल सेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो उसको बाद में देखेंगे। अभी यहां पे मेन है कि वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि एम्बिग्यूटी ना हो। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या है कि उस चीज का आंसर जिससे भी पूछो वो एक ही आंसर दे किसी भी चीज का, ठीक है। जैसे कि आप यहां पे एक एग्जांपल जैसे लिख सकते हैं क्या, कि सेट ऑफ
ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स लेस देन सिक्स, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट यहां पे लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन सिक्स। मुझसे पूछिए, मैं इसका आपका आंसर बताऊंगा कि 1, 2, 3, 4, 5। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, आप भी शायद यही आंसर बताएंगे। अपने किसी दूसरे टीचर से पूछो, वो भी यही बताएगा, ठीक है। किसी भी दोस्त से पूछो, ये बता, जो भी मैथ जानता है, नेचुरल नंबर जानता है, और ये स्टेटमेंट उसको बताया जाएगा कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन सिक्स, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा 1, 2, 3, 4, 5, यही होगा आंसर। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो चीज ये लिखा हुआ, ये वेल डिफाइंड है, इसकी कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। इसका जिससे भी पूछो वो एक ही आंसर बताएगा आपको, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि सेट ऑफ बेस्ट बॉलर्स इन इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है। ये एक सेट है, ये एक स्टेटमेंट यहां पे लिखा हुआ है। मुझसे पूछो, मैं इसका आंसर हो सकता है कि कुछ और दूं, कुछ और का मतलब मेरे फेवरेट कुछ भी हो सकते हैं, जावगल श्रीनाथ हो सकता है, मेरे फेवरेट हरभजन सिंह हो सकता है, आपका फेवरेट कोई दूसरा बॉलर हो सकता है इंडिया का, अनिल कुंबले हो सकता है, ईशांत शर्मा हो सकता है, बहुत सारे बॉलर से किसी का फेवरेट कोई भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सेट यहां पर लिखा हुआ है, ये डिफरेंट पीपल का डिफरेंट आंसर आ रहा है यहां पर। इसका मतलब है कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, समझ में आ रही है बात। इसी चीज को एक और एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए कोई पूछ रहा है कि कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है, ऑफ इंडिया टिल 2019, ठीक है। तो किसी से भी आप अगर पूछोगे, मुझसे पूछोगे, तो मैं 1947 से अभी तक जितने भी लोग पीएम बने हैं, ठीक है, पहली बार जब पीएम बने थे उसके बाद अभी तक जितने भी पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उसको मैं लिस्ट कर दूंगा, ठीक है। किसी दूसरे आदमी से आप पूछोगे तो वो भी सिमिलर लिस्ट बनाएगा। हाँ, उसको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी आंसर तो नहीं दे सकते ना यहां पर। यह एक फाइनाइट लिस्ट है कि इतने ही लोग प्राइम मिनिस्टर बने हैं अब तक 2019 तक, ठीक है। तो जिससे भी आप पूछोगे वो यही आंसर देगा, सेम आंसर देगा, समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है वो वेल डिफाइंड सेट है। आप किसी क्लास में पढ़ते होगे, ठीक है, उस क्लास में जितने भी बच्चे हैं, मान लो कि उसमें लड़के भी पढ़ते हैं और लड़कियां भी पढ़ती हैं, ठीक है, एग्जांपल लिया मैंने, तो क्लास का एक स्ट्रेंथ होगा। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि सेट ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, योर क्लास मीन्स आपके क्लास के बारे में पूछ रहा हूं, या मेरे क्लास के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर क्लास के बारे में बोल रहा हूं, ये 11th क्लास का सेक्शन ए का जो स्टूडेंट्स लिस्ट है उसमें कितने लड़के हैं या कितनी लड़कियां हैं, तो किसी से भी पूछोगे उस क्लास में तो वो एक फाइनाइट लिस्ट देगा कि हो सकता है कि टोटल 40 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 20 बॉयज हैं और 20 गर्ल्स हैं। तो आप किसी से भी पूछोगे तो वो 20 ही बताएगा, क्योंकि 20 लड़के वहां पे पढ़ते हैं, कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि 18 पढ़ते हैं, नहीं कह सकते ना, क्योंकि 20 ही पढ़ते हैं। तो ये फाइनाइट है, फाइनाइट मींस किसी से भी पूछो उस क्लास में वो सेम आंसर बताएगा आपको। इसका मतलब ये भी वेल डिफाइंड सेट है, समझ में आ रही है बात। तो वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड, इसको आप क्या बोल सकते हैं, नॉट वेल डिफाइंड, दो चीज यहां पर आया, ठीक है। तो आपको ये जब पता चल जाएगा कि क्या डिफाइंड है वेल डिफाइंड और क्या जो है वो नॉट वेल डिफाइंड है, इसका मतलब है कि सेट्स आप आधा समझ गए। तो हम लोग सेट को यूजुअली कैसे डिनोट करते हैं वो देखते हैं हम लोग, कि सेट को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, कैपिटल लेटर्स ए बी सी इस तरह से, जो कैप्स में होते हैं, और जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ये जनरली ऐसा करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी कुछ और लिख दिया इसके बदले तो वो गलत हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन
ज्यादातर लोग इसी को स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो आप भी करें तो बेहतर है। लेकिन अगर आप इसी को एलिमेंट बोलेंगे, सेट बोलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेंशन करना पड़ेगा ए इज द सेट, ठीक है। लेकिन बेटर यही है कि जो स्टैंडर्ड है उसी को फॉलो किया जाए। तो जैसे यहां पे अब लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जो कि वेल डिफाइंड है कि नहीं। क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6, ये अप टू इंफिनिटी तक, ये पता है ना सबको, किसी से भी पूछोगे आप तो यही बताएगा, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है कि इसमें एक दो टर्म्स हैं, एक दो सिंबल्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। जैसे कि यहां पे अगर आपको कोई पूछेगा कि ये मान लीजिए कि सेट ऑफ ए इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ए के बारे में, ये ए एक सेट है, तो इसका मतलब ए हो गया ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4 इस तरह से, ठीक है। यहां पे जो सेट को रिप्रेजेंट करते, आगे देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन होता है दो तरीके का, ठीक है। लेकिन यहां पे अभी जनरली आप समझ लीजिए कि ए को जब भी सेट में लिखते हैं तो ये ब्रैसेस हम लोग ये वाला यूज करते हैं और कोई दूसरा नहीं यूज करेंगे, ये वाला नहीं कर सकते, ये वाला नहीं कर सकते, इसी को यूज करना है, ठीक है। और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कॉमा से सेपरेटेड है यहां पे। तो अब यहां पे अगर कोई पूछेगा आपसे कि 2 बिलोंग्स टू सेट ए, ये सही है या गलत है यहां पे, तो 2 क्या है, ये एक एलिमेंट्स है, इसके अंदर जो भी चीज है वो क्या है, एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स या मेंबर्स, जो भी बोले आप, तो 2 बिलोंग्स टू सेट ए, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, सही है, क्योंकि 2 ऑल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स के लिस्ट में 2 भी आता है। इसी चीज को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, इसका मतलब हो गया कि बिलोंग्स टू, ठीक है, 2 बिलोंग्स टू ए। आप ये भी लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, 1 भी है इस लिस्ट में, 5 बिलोंग्स टू ए, ये भी सही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर कोई पूछ दे 5.6 ये क्या इस लिस्ट में आता है, डज नॉट बिलोंग्स टू, तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू लिख दिए और फिर क्रॉस कर दिए और इस तरह से लिख दिए, इसका मतलब ये हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 7.1 ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू ए यहां पे है, समझ में आ रही है बात। अब आती है बात रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो हम लोग दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को, कोई भी जो वेल डिफाइंड सेट होता है उसको दो तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, एक होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये क्या होता है, अभी जो हम लोग देख रहे थे वो रोस्टर फॉर्म ही था, इसमें जैसे क्या होता है कि सभी चीज को जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हम लोग लिस्ट आउट ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें कैसे लिखते हैं हम लोग कि कॉमा से सेपरेट करते हैं और ब्रैसेस से बंद कर देते हैं। जैसे यहां पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं, वेल डिफाइंड स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया था उसी को देखते हैं यहां पे, ये है, इसी को अगर रोस्टर फॉर्म में यहां पे लिखना है या टेबुलर फॉर्म जिसको भी बोलते हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इस चीज को 6 से कम जो भी नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, और इसको इस ब्रैकेट से बंद कर, ओपन करना है, बंद करना है, और जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको कॉमा से सेपरेट कर देना है, ठीक है। और इसको मान लीजिए कि ये यहां लिखा है कि ए इज सेट ऑफ, तो ये हो गया ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, समझ में आ रही है बात। इसी चीज में यहां पे एक बात और है पॉइंट नोट करने की कि आप ये देखिए यहां पे कि ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है, जैसे मुझसे आप पूछे कि मैं लिखा 1, 2, 3, 4, 5, कोई और स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिख सकता है ना कि ए इक्वल टू 2, 3, 1, 4, 5 लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी वही एलिमेंट्स हैं इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऑर्डर डजेंट मैटर, ठीक है, किस ऑर्डर में लिख रहे हैं उससे मतलब नहीं है, क्या लिख रहे हैं उससे मतलब है, समझ आ रही है बात। कि 6 से कम कितने नंबर है, 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, इसको कैसे भी लिखें इसके अंदर में, लेकिन यही पांचों लिखे हैं तो बस हो गया, तो ऑर्डर डज नॉट मैटर, समझ में आ रही है बात। और रिपीटेशन नहीं होना चाहिए जनरली, जैसे इसको कोई आप किसी को पूछिएगा तो वो ऐसे भी लिख सकता है 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5 ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है, ये भी तो वही है ना
लेस देन सिक्स, वन भी है वन भी है, दो दो बार लिख दिया किसी ने, लेकिन ये प्रैक्टिस सही नहीं है। ये लिखा ठीक है लेकिन प्रैक्टिस सही नहीं है। इसका ओरिजिनल वे यही होगा कि इसको आप इस तरह से लिखिए, कोई भी एक नंबर जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर वो रिपीट नहीं होना चाहिए, तो वो एक ही बार यूनिक इंस्टेंस यहां पे इसका होना चाहिए। तो ये इसका सिंपल मेथड है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म को इस तरह से हम लोग लिखते हैं। और इसी चीज को जब यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखते हैं तो स्टेटमेंट की तरह लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं, जैसे यहां पे इसी चीज को आप एग्जांपल जो ये लिखा हुआ वही वहां पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि x सच दैट, अभी यहां पे लिखते हैं x, यहां पे x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है, और इसको यहां पे बंद कर दिए और यहां पे a लिख दिए, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इसको पढ़ते कैसे, ये जो ब्रैसेस है यहां पे, ठीक है, ये जो ब्रैकेट है इसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ ऑल। इसका मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल, ये जैसे ही लिख दिए यहां पे ये वाला शुरू और ये वाला बंद, सेट ऑफ ऑल, इसके अंदर में क्या है x, सेट ऑफ ऑल x सच दैट, ठीक है, ये जो कॉलोन है, ठीक है, ये वाला डॉट दो, इसको बोले सच दैट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये भी तो वही बात बोल रहा है जो ये बात बोल रहा है। तो ये एक अलग तरीका हुआ लिखने का। तो यहां पे ये एलिमेंट रहता है और एलिमेंट का प्रॉपर्टीज यहां पे हम लोग लिखते हैं, समझ में आ रही है बात। और एग्जांपल लेके देखते हैं इसको। अब देखिए ये दो एग्जांपल यहां पे, छोटा छोटा एग्जांपल है, बुक का ही एग्जांपल है ये। देखिए, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि आप ये दोनों ब्रैकेट के बीच में जो भी चीज लिखना होता है और कॉमा सेपरेटेड लिखते हैं। तो इक्वेशन यहां पे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, यही होगा ना। दिस इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज एक्स इक्वल टू कितना हो गया 3 एंड एक्स इक्वल टू माइनस 3। दो सॉल्यूशन यहां से निकल के आया, ठीक है ना। तो फिर अब इसका मतलब क्या हो गया, माइनस 3 और माइनस और 3, ये दो चीज हुआ x का वैल्यू। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर हम लोग कैसे, इस तरह से लिखेंगे माइनस 3 एंड 3, समझ में आ गई बात। तो ये इसका सॉल्यूशन जो हो गया रोस्टर फॉर्म में हो गया। रोस्टर फॉर्म यहां पे जस्ट चेक करना क्या है कि ब्रैकेट में हो और अंदर में जो भी चीज हो वो कॉमा सेपरेटेड हो, ठीक है। ये एग्जांपल है कि राइट द सेट ए, ये दिया हुआ इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि आपको वो प्रॉपर्टीज के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है, यहां पे क्या लिखा हुआ, ये 1, 4, 9, 16, 25, ये एक सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये वेल डिफाइंड सेट है कि नहीं, आपको लगता है कि नहीं। सबका एनालिसिस का तरीका अलग अलग हो सकता है, आपको कुछ और पैटर्न दिख सकता है, किसी और दूसरे आदमी को कुछ दूसरा पैटर्न दिख सकता है, लेकिन आप यहां पर देखिए कि वेल डिफाइंड है कि नहीं। वेल डिफाइंड क्या है, यहां पर ये 1 है 4 है 9 है, तो आपको ये दिख रहा है कि 1 इज 1 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है ना। इसी तरह से जा रहा ना, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है ये। तो इसका मतलब ये जो ये क्या है 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो नेचुरल नंबर्स का जब स्क्वायर यहां पर किया जा रहा है तो ये आ रहा है यहां पर। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि a इक्वल टू, यहां पे क्या लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल, इसको ओपन और बंद करेंगे तो सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज कोई भी अलग तरीके से कुछ भी लिख सकता है, मीनिंग उसका सेम आना चाहिए। a इक्वल टू यहां पे क्या हो गया कि सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये हो गया ना, नेचुरल नंबर जो भी है उस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, समझ में आ रही है बात। तो और एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे, जैसे एक एग्जांपल और क्या लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10, इस तरह से लिखा हुआ है। इसको अब लिखिए यहां पे रोस्टर फॉर्म में, कैसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10 लिखा हुआ है, ये वेल डिफाइंड सेट है, ठीक है। ए
a इज सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब ब्रैकेट वाला, a इक्वल टू प्राइम नंबर्स लेस देन 10, प्राइम नंबर्स कौन कौन से लेस देन 10, 2 से स्टार्ट होगा, 2, फिर 3, फिर 5 और फिर 7, यही होगा ना, इतने होंगे तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए ये एक एग्जांपल का क्वेश्चन है, यहां पे क्या है कि मैच करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक आप जितना चीज सीखे हैं उस पर मुझे लगता है कि ये आप बहुत आसानी से इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। देखिए क्या है, इधर है रोस्टर फॉर्म में चार चीज लिखा हुआ और इधर सेट बिल्डर फॉर्म में चार चीज लिखा हुआ है, आपको सही सही मैच करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, फर्स्ट में कि पी आर आई इस तरह से लिखा होता है, इस तरह के केस में आप सबसे पहले सेट बिल्डर को पढ़िए, ये पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा क्या कहता है, तो आपको अपने आप इधर आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिए ये क्या है कि x, ये क्या है सेट ऑफ ऑल, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज डिविजर ऑफ 18, मतलब क्या हो गया कि 18 में किस किस से भाग लग रहा है। देखिए यहां पे डायरेक्ट दिख रहा है कि x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, अभी इंटीजर हम लोग सीखे थे इंटीजर क्या होता है, तो उसमें पॉजिटिव इंटीजर है यानी कि 1, 2, 3, ये जो 18 है उसमें किस किस चीज से डिवाइड हो सकता है, 1 से 2 से 3 से 6 से 9 से 18 से, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ये इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ए, समझ में आ रही है बात। अब देखिए यहां पे x सेट ऑफ, इसको पढ़ना सीखिए, हमेशा इसको आदत बनाइए इस तरह पढ़ने का, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहां पे ये भी देखिए कि ये दो कंडीशन यहां पे, x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, इस तरह से भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, ठीक है, तीन तीन कंडीशन भी हो सकता है। तो ये क्या है, x इज एन इंटीजर, इंटीजर होगा और एंड x माइ x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, ये तो अभी हम लोग शायद सॉल्व किए थे, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से दो सॉल्यूशन निकल के आए, x माइनस 3 इंटू x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो माइनस 3, यहां से माइनस 3, यहां से प्लस 3, तो ये जो यहां पे सेट लिखा हुआ रोस्टर फॉर्म में 3 एंड माइनस 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, समझ में आ रही है बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है कि सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इक्वल टू 1, तो ये तो डायरेक्ट यहां पे क्या हो गया, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 1, तो 1 1 कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना, 0, डायरेक्ट आपको दिख जाएगा यहां पे, ये देखिए रोस्टर फॉर्म, इसका आंसर सीधे 0 नहीं लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो इस तरह से लिखना है, ठीक है ना। ये सब चीज हमेशा छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हमेशा समझनी है, और जो ये तो यहां पे एग्जाम नहीं चल रहा है कि डायरेक्ट जो बच गया इसको मिला देंगे, फिर भी इसको सीखेंगे यहां पे, x सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ल्ड प्रिंसिपल, ठीक है। यहां पे जैसे लिखा हुआ, अब यहां पे देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे कि अ लेटर, यहां पे देखिए p जो है वो रिपीटेड है, ठीक है, i भी शायद रिपीटेड है यहां पे, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो रिपीटेशन है वो हम लोग को यूज नहीं करना है, पी हो गया, आर है, आई है, एन सी ए एल, फिर से रिपीट करने की जरूरत तो है नहीं, तो जी ये सब लेटर्स हैं इसके अंदर, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, डी। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप लोग तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, चलिए थैंक यू।